कुछ दिनों पहले विनोद दुआ की पत्नी चिन्ना दुआ कोरोना की वजह से चल बसी थी और आज विनोद जी भी हमारे बीच नहीं रहे। आज विनोद जी चिन्ना के साथ हैं। मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, दोनों की जोड़ी की मिसालें दी जाती थी दिल्ली में। दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश, दोनों संगी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जो गाते थे और जो जादू बिखेरते थे ना, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसकी एक झलक अभी अभी आप देख चुके हैं। मगर आज मैं विनोद दुआ को क्यों याद कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने विनोद दुआ के साथ 3 बार काम किया है। जी हां, विनोद दुआ के साथ मैंने 3 बार काम किया है। एक बार जब हम दोनों NDTV में एक साथ थे 2003 से लेकर 2007 के बीच, एक बार जब कुछ लम्हों के लिए या कुछ महीनों के लिए हमने वायर में एक साथ काम किया, जब मैं वायर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा था, और जैसे कि आप जानते हैं कि HW न्यूज नाम की एक संस्था के लिए मैं कार्यक्रम करता हूं जिसका नाम है सुनिए सरकार, विनोद जी भी उसी संस्था के लिए कार्यक्रम कर रहे थे। आज विनोद जी जंग हार गए और यह खबर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी ने दी, जिनका नाम मल्लिका दुआ है। वो क्या कहती है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। Our irreverent, fearless, and extraordinary father Vinod Dua has passed away. He lived an inimitable life, rising from the refugee colonies of Delhi to the peak of journalistic excellence for 42 years, always, always speaking truth to power. He is now with our mother, his beloved wife Chinna, in heaven, where they will continue to sing, cook, travel, and drive each other up the wall. The cremation will take place tomorrow at 12 at Lodhi Crematorium. उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने दो बातें कही हैं दोस्तों। पहली बात, विनोद दुआ उन गिने चुने पत्रकारों में से थे जो ताकतवर से सवाल करते थे और इसकी कीमत उन्हें आखिरी कुछ दिनों में चुकानी पड़ी थी। मगर एक और मार्मिक बात मल्लिका दुआ ने अपनी बात में कही है, अपने इस संदेश में कही है। उन्होंने बताया कि चिन्ना दुआ के साथ जो उनकी जोड़ी थी ना, वो बेमिसाल थी। मैं चाहूंगा कि इन दोनों की क्या केमिस्ट्री थी, इन दोनों के बीच में जो प्यार था वो कितना पाक था, कितना खूबसूरत था। मैं चाहूंगा कि आप भी इसकी एक झलक देखें। आज ये दोनों हमारे बीच में नहीं है और ये सब कुछ पिछले कुछ महीनों में हो गया दोस्तों। चिन्ना और विनोद दुआ की लव स्टोरी देखिए। मैंने आपसे कहा विनोद दुआ उन गिने चुने पत्रकारों में से थे जो ताकतवर से सवाल पूछते थे, क्योंकि आप जानते हैं 2014 के बाद यह चीज गायब हो गई है और जिसने भी सत्ता से सवाल किया उसे परेशान किया गया। गौरी लंकेश, उनकी तो जान ही चली गई। कई पत्रकार, उन्हें जेल डाल दिया गया, कई उनकी नौकरियां छीन ली गई सिर्फ यह सवाल करने के लिए
कि हमें तो वादा कानून व्यवस्था का किया गया था, मगर आज क्या हो रहा है। और विनोद दुआ को भी परेशान किया गया। आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। बाद में अदालत ने उस केस को कूड़ेदान में डाल दिया था, कहा था सरासर बकवास है। मगर मैं यही तो समझना चाहता हूं 65-67 साल के एक बुजुर्ग पत्रकार को, जो कभी भी अपनी आवाज ऊंची करके नहीं बोलते थे, उनका एक बहुत सौम्य अंदाज था, उनके खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगा जिसकी कोई जमीन नहीं है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उस प्रदेश में आपकी सरकार है, तो विनोद दुआ को परेशान किया जा सकता है। और यह सब दोस्तों हो रहा था कोरोना के बीचों बीच। मैं आपको बता नहीं सकता हूं उन्हें कितना परेशान करने की कोशिश की गई, मगर मैं जब भी उनसे बात करता तो कहता अभिसार क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वो हमेशा हंसते थे। मुझे याद है HW न्यूज के जो संपादक हैं सुजीत नायर, मैं उनसे बात करता था तो सुजीत कहते थे मैं विनोद से बात करता हूं भाई तुम्हारे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया है। वो हंसते रहते थे उस बात को लेकर। विनोद जी से हम कहते थे भाई आप इस आरोप को गंभीरता से लीजिए, देशद्रोह का मामला है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। और वो कहते थे अभिसार कुछ नहीं होने वाला है, और हो भी जाएगा तो क्या है। विनोद जी और मुझ में एक और समानता थी दोस्तों, यकीनन वो सत्ता से सवाल करते थे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बीजेपी से सवाल किया, नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वो अपने सौम्य अंदाज में अपने सवालों से कांग्रेस के नेताओं को हिला दिया करते थे। मगर उनकी और मेरी एक और चीज समानता थी। आपको याद होगा NDTV के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया था, यह जायका इंडिया का है। मैं भी अपने आप को फूडी समझता हूं, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ख्वाहिश है कि किसी दिन विनोद जी जैसा खाने के ऊपर कार्यक्रम मैं करूं। एक जिंदा दिल आदमी थे दोस्तों। मैं जानता हूं दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले जब उनके देहांत की अफवाह उड़ी थी तो भक्त गणों ने निहायत ही अश्लील बातें कही थी, और आज भी वही होगा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मगर मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप विनोद जी से बेशक सिद्धांततः इत्तेफाक ना रखें, आप उनकी पत्रकारिता से इत्तेफाक ना रखें, मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप उस व्यक्ति से रूबरू होते ना, वो आदमी आपका दिल जीत लेता। इतना कुछ कहने को था विनोद जी के पास। गाने के शौकीन, मैंने अभी अभी आपको एक मिसाल दी, खाने के शौकीन, जिंदा दिल, आप उनसे कई मुद्दों पर बात कर सकते थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। और चिन्ना दुआ के साथ जो उनकी जोड़ी थी उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है दोस्तों। सच बताऊं तो चिन्ना के जाने के बाद विनोद जी टूट गए थे। मुझे अफसोस यही था कि जब से वो कोरोना से ठीक होकर आया, ठीक होना सही नहीं होगा क्योंकि आज जो हमारे बीच नहीं है उसकी वजह यह है कि कोरोना से जब वो ठीक हुए थे और फिर चिन्ना जी का जो देहांत हुआ था उससे वो उबर नहीं पाए थे। मगर जब मैं उनकी तस्वीरें देखता था तो मानो अंदर से कुछ टूट गया है, उनकी सेहत आधी हो गई थी दोस्तों, और जद्दोजहद करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे एक जानकार हैं, वो विनोद दुआ से बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा विजय मैं बात नहीं कर सकता, मुझमें हिम्मत नहीं है बात करने की, अंत के दिनों में इतनी मुश्किल हालात हो गई थी, और इसलिए नहीं कि बीमारी की वजह से, इसलिए कि चिन्ना उनके साथ नहीं रही। मगर फिर भी फेसबुक में मैं देख रहा था वो अपने नाती के साथ खेलते थे, एक तस्वीर थी बहुत खूबसूरत, काश मैं वो आपको दिखा सकता, उनकी जो बेटी है उनका जो बच्चा है उनके साथ वो खेल रहे थे, और विनोद जी के चेहरे पर वो मुस्कान थी, वो कमजोर जरूर दिखाई दे रहे थे मगर वो मुस्कान थी उनके चेहरे पर। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब मैंने एंकरिंग शुरू की थी, यानी कि पहले तो मैंने रिपोर्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, और जब मुझे पहला मौका मिला था एक न्यूज बुलेटिन पढ़ने का, तो मेरे सामने मेरे दो आदर्श थे, एक BBC के प्रेजेंटर जिनका नाम था निक गाउइंग और दूसरे विनोद दुआ, क्योंकि यह वो दौर था दोस्तों जब SP सिंह का बोलबाला था।
मगर मैं विनोद दुआ के अंदाजे बयां से बहुत प्रेरित था और उसकी दो वजह थी। एक तो हिंदी भाषा पर उनकी खूबसूरत पकड़ और दूसरा वो मेरे बचपन की रूमानियत थे। आपको याद होगा 80 के दशक में हम सब छोटे थे, मुझे तो याद है 8-9 साल का था जब मैंने दूरदर्शन में पहली बार उनको देखा था उनके तमाम कार्यक्रम करते हुए, और हर संडे को उनका कार्यक्रम आता था, उन्हें मैं सुनता था। उनका जो खूबसूरत अंदाज था वो मेरे बचपन की रूमानियत का हिस्सा बना रहा। दोस्तों, मैंने कभी भी उस शख्स को किसी के बारे में ऊंची आवाज से बोलते हुए नहीं देखा। यह उनकी पत्रकारिता थी और उनके आसपास के जो लोग थे ना, विनोद जी और चिन्ना, उनके जीवन को वो हमेशा महकाते रहे अपने संगीत से, अपनी खूबसूरती से, अपनी शख्सियत के जादू से। मैं उम्मीद करता हूं विनोद जी आप चिन्ना जी के साथ हैं, आप उनके साथ उसी तरह से गाते रहेंगे, खाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और उनकी बेटी मल्लिका और बकुल के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं, ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे। मैं आपको यही बतलाना चाहता हूं कि यह दुख की घड़ी नहीं है। खुद मल्लिका ने कहा था किसी इंस्टाग्राम में अपनी पोस्ट को लेकर कि हम उनके जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम दुखी नहीं होना चाहते हैं। उनके लिए मुश्किल घड़ी है, मुश्किल वक्त है, मगर उनकी जिंदगी एक जश्न है। यकीनन विनोद जी की जिंदगी एक जश्न है और एक प्रेरणा है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो जिंदादिल आदमी थे, क्योंकि मौजूदा दौर में जो पत्रकार की एक खासियत होनी चाहिए थी वो विनोद जी के अंदर थी। विनोद जी, आप जहां पर भी हो हमेशा खुश रहें और इसी तरह से लोगों को प्रेरणा देते रहें। नमस्कार।